हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड फन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुरकुरे पनीर की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे पनीर की रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे अपने बच्चों की तो बच्चे बार बार खाने की जिद करेंगे। चलिए बनाते हैं, वायरल रेसिपी है ये। देखिए, हमको पनीर को इस शेप में काट लेना है। ये थोड़ा मोटा है तो हमको एक बार इस तरह काट के फिर दोबारा इसको इस तरह काटना है। हमें सारी पनीर अपनी इस शेप में काट लेनी है। देखिए, ये देखिए, इस शेप में हमें अपनी सारी पनीर काट लेनी है। अब हमें इसमें डालना है नमक। टेस्ट अकॉर्डिंग पे नमक डाल दीजिए और थोड़ा डालना है काला नमक। और डलेगी 1 पिंच हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और डलेगी थोड़ा कस्तूरी मेथी और डलेगा ब्लैक पेपर और डलेगा बारीक कटा हुआ धनिया हरा। अब इस सबको हमें बिल्कुल अपने हल्के हैंड से, गाइस बिल्कुल स्मूथली इसे मैरिनेट कर देना है। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी मैरिनेट हो गई है। अब इसे हमें रखना है टाइट। अब हमको लेना है एक बाउल में बेसन और इसमें भी डलेगा बस थोड़ा सा नमक और हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, 1 पिंच गरम मसाला, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर, ये डल के और एक ये देखिए। और अब हमें डलेगा पानी। एक इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ जैसे हम पकौड़ों के लिए करते हैं। अच्छे से इसको फोक की मदद से या फेंकने वाले की मदद से अच्छे से इसका एक बैटर तैयार कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं। ये देखिए कितना अच्छा तैयार है। ये देखिए बिल्कुल मैरिनेट है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल दीजिए। चाट मसाला मैं डालना भूल गई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अब जो हमने ये अपना बैटर बना के रखा है ये इसमें जाएगा। ये देखिए सारा इसमें डाल दीजिए और इसको ऐसे इस तरह हिला हिला के, हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सारा पनीर हमारा अच्छा कोटेड हो गया। थोड़ा हल्के हैंड से आप इसको मिला लीजिए इस तरह। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिस्पी करने के लिए इसको कॉर्नफ्लेक्स लेना है हमको और इसको हैंड की मदद से हमको तोड़ लेना है क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। ये देखिए इस तरह आप तोड़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये बनेगी नहीं, इसके बिना ये रेसिपी अधूरी है। इसी से सारा क्रिस्पी पनीर से आता है, आपको पता है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना है हमको, बिल्कुल हल्का हल्का तोड़ना है, कहीं आप चूरा बना दें बिल्कुल ही फिर वो चिपक नहीं पाएगा हमारे पनीर में। ये देखिए बस इतना बहुत है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमको तोड़ना है। ये देखिए बिल्कुल सही हो गए हैं अब। ये देखिए पनीर भी हमारी मैरिनेट हो गई बिल्कुल। अब हमको पनीर को उसमें कोट करके अब इस पर हमें डालना है इस तरह। ये देखिए इस तरह हमको बिल्कुल कोट कर लेना है उसको अच्छे से। ये देखिए हल्के हैंड से हमको इसे दबा लेना है ऐसे करके। ये देखिए बिल्कुल अच्छी हो गई है हमारी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमें बना लेना है। और अब एक पैन में हमें ऑयल डालना है और धीमे से, बिल्कुल तेज से नहीं, इसको फ्राई कर लेना है हमको। ये देखिए, और याद रखिए गैस बहुत तेज़ ना हो वरना ये जल जाएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम हो, नॉर्मल हो गैस। ये देखिए हमारे कितने अच्छे हो रहे हैं बिल्कुल। ये
ये देखिए दोस्तों, इस स्टेज में हमें ये निकाल लेना है। अच्छे से तेल को हमने उबल लेना है और एक नैपकिन पे निकालना है हमको। ये नैपकिन सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए दोस्तों, बनके बिल्कुल तैयार है हमारे क्रिस्पी पनीर के वो, और इतने क्रिस्पी हैं ये देखिए, बहुत ही टेस्टी एंड यमी। आप भी ज़रूर ट्राई करें घर पे, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।